नमस्कार, मेरा नाम है मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सैमसंग की एम सीरीज 28 जनवरी को इंडिया में लॉन्च हो रही है, लेकिन लगता है कि सैमसंग 2019 में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सैमसंग की एम सीरीज के कुछ समय बाद ही लॉन्च होने वाली है सैमसंग की ए सीरीज, जो कि बिल्कुल अलग होगी सैमसंग की प्रीवियस ए सीरीज के मुकाबले। और इस सीरीज में भी इनिशियली हमें 2 से 3 फोन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन फोन्स के काफ़ी सारे लीक हमारे पास ऑलरेडी आ गए थे, लेकिन अब हमारे सामने है ये एक लाइव पिक्चर जो कि इन फोन्स को और ज़्यादा क्लियर कर देती है कि कैसा होने वाला है फ़ोन का डिज़ाइन और क्या होने वाले हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी सीरीज़ के बारे में कि सैमसंग की ए सीरीज़ कैसे होने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि टैग वीडियोस हम अपने चैनल पे डेली अपलोड करते हैं, और साथ में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन में मिल जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि कैसे होने वाली है सैमसंग की ए सीरीज। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैसे सैमसंग की एम सीरीज आपको ऑनलाइन एक्सक्लूसिव मिलती है अमेज़न पे, वैसे ही सैमसंग की ए सीरीज जो कि अपकमिंग है वो आपको ऑफलाइन एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगी, मतलब आपको वो ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि कैसे होने वाले हैं ये फ़ोन। तो आपको बता दें, अभी बताया जा रहे हैं इनिशियली सैमसंग लॉन्च करेगा 2 फ़ोन, जिसमें हो सकता है एक गैलेक्सी A40 और दूसरा हो सकता है गैलेक्सी A50। अगर हम बात करते हैं Geekbench की, तो वहाँ पे कुछ स्कोर्स लीक हुए थे इन दोनों ही फ़ोन्स के, जहाँ पे बताया जा रहा है कि Exynos का 910 चिपसेट आपको देखने को मिलेगा सैमसंग के गैलेक्सी A50 में, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गैलेक्सी A40 की, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है Exynos का 7885 चिपसेट। यहाँ पे अलग अलग रैम वेरिएंट हो सकते हैं, इसके लिए अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो अभी हमें स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं वो हैं 4GB रैम वेरिएंट के साथ में। अब बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो है ये लीक होकर आई है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फ़ोन का लुक, जहाँ पे हमको देख सकते हैं कि इस फ़ोन में होने वाला है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले। जी हाँ, जैसा कि एम सीरीज में आपको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले। और इस पिक्चर से और भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि इन फोन्स में आपको देखने को मिलेगा सैमसंग का वन UI। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नीचे एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड 9 मिस पाई आपको इसमें आउट ऑफ बॉक्स ही देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल देखने को मिलती है, वहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन है जो कि आपको देखने को मिलता है सैमसंग का A505, मतलब ये सैमसंग का A50 फोन हो सकता है। और इस पिक्चर से हम अंदाजा लगाते हैं स्क्रीन साइज का, तो वो मुझे लगता है लगभग 6.3 इंचेस से ऊपर का डिस्प्ले हो सकता है, जहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं सैमसंग की जो ए सीरीज है प्रीमियम सीरीज आती है, तो यहाँ पर डिस्प्ले सुपर एमोलेड ही होगा। और अगर हम बात करते हैं बैक डिज़ाइन की, तो बताया जा रहा है कि यह फ़ोन आपको ग्लॉसी लुक के साथ में देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रेंड में आप काफ़ी सारे फ़ोन देखते हुए आए हैं। तो ये था सैमसंग की ए सीरीज़ के बारे में, जहाँ पे A40 और A50 बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकते हैं। और बताया जा रहा है कि सैमसंग के गैलेक्सी A40 में हमें देखने को मिलेगा Exynos का 7885 चिपसेट, जबकि अगर हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी A50 की, तो वहाँ हमें मिल सकता है Exynos का 9610 चिपसेट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैमरा या फिर बैटरी या फिर सिक्योरिटी की, तो उसके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ये था सैमसंग की ए सीरीज़ के बारे में। अगर आप सैमसंग की एम सीरीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हम एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुके हैं उसके ऊपर, आप कार्ड में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज़ की, जो कि होने वाली है सैमसंग की एस सीरीज, और उसका लॉन्च भी कन्फर्म हो गया है, और ये आपको देखने मिलने वाला है 28 फेब को। जी हाँ, 28 फेब को सैमसंग का इवेंट है, जहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S10 वाली सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। और सैमसंग इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फ़ोन लॉन्च करने वाला है, जहाँ पे S10, S10 प्लस और S10 लाइट को लॉन्च किया जाएगा। और इस सीरीज़ में भी सैमसंग हमें कुछ नया देने वाला है, क्योंकि सैमसंग पहली बार यूज़ करने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो वो भी इन डिस्प्ले होने वाला है। और अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली S10 प्लस की, तो वहाँ पे आपको ड्यूल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, वो भी डिस्प्ले के अंदर। तो ये काफ़ी अमेजिंग बात है। यहाँ पे S10 लाइट को भी लॉन्च किया जाएगा, और हो सकता है कि S10 लाइट भी आपको सैमसंग के फ्लैगशिप चिपसेट, मतलब Exynos के 9820 चिपसेट के साथ में देखने को मिले। तो ये काफ़ी अमेजिंग होने वाला है सैमसंग की तरफ से। पहले आपको देखने को मिलेगी सैमसंग की एम सीरीज़, उसके बाद हमें देखने को मिलेगी सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज जो कि है एस सीरीज़,
और उसके बाद हमें देखने को मिलेगी सैमसंग की ए सीरीज। तो आप क्या सोचते हैं सैमसंग और क्या नया कर सकता है इस 2019 में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप एक्साइटेड हैं इन फोन्स के लिए और आप क्या चाहते हैं कि इन फोन्स में आपको और क्या फीचर्स देखने को मिले। तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल है सुझाओ तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।